गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह गुनाहगार उम्मत से प्यार गुनाहगार। ऐसे मेरी जो सिस्टर हैं, मेरी तबके हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हमारा दिखाने का मकसद सिर्फ यही होता है, आपकी दी हुई डोनेट इन मुस्तहक लोगों तक पहुंचाते हैं और इनकी दुआ का हिस्सा बनते हैं। तो आपने दुआ ज़रूर करनी है। ये मेरी सिस्टर हैं यूके से, उन भाई एक इंतजाम मैंने सिस्टर से करनी है। मेरा मकान बिल्कुल गिरने वाला गिरा पड़ा है, जाकर बेशक आप देख भी सकते हैं। मुझे ये डर है कहीं मेरे बच्चे नीचे ना आ जाए। रोना नहीं है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा आपका मकान का। मेरा मकान बन जाए, मेरा नलका नहीं है, मेरी बाथरूम नहीं है, मुझे ये तीन चीज़ें बाजी दिलवा दें। अल्लाह ताला इनको, इनके बच्चों को अल्लाह ताला जिंदगी दे। आमीन। ठीक है, अल्लाह ताला इनको और भी ज़्यादा दे के ये लोगों के लिए इतना करें, अल्लाह ताला इनके लिए बहुत कुछ करेगा, इतना दिल बड़ा इनका, अल्लाह ताला इनको बहुत मदद करेगा। बस मेरी है ये रही है, मेरी अपील है, मेरा बैठने का कमरा नहीं है, मेरे छोटे आप जाके भी देख सकते हो। जी जी, मैं झूठ तो नहीं बोलती, आप जाके देख लो। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे डर लगता है मेरा कमरा जो है गिर चुका है, बैर आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, सारा तो खत्म हो गया, नीचे से दीवारें खत्म हो गई, बच्चा जो है, इसलिए मैं डरती हूँ कि कहीं रात को छत गिरे और सारे हम नीचे ही दब जाए। ये मेरी इल्तिजाबाजी। जी जी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए अच्छा वसीला बनाएगा, आपने गांव में याद रखना इंशाअल्लाह। जी जी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है रब्बे जल जलाल से मेरे देखने वाले जहां रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ो अमान में रहें। तो नाज़रीन किराम, आज मैं मौजूद हूँ अपनी इन सिस्टर के पास, इन माओं के पास। इनमें जो है मेरी बेवा सिस्टर मौजूद हैं, बेवा माएँ मौजूद हैं, यतीम बच्चे हैं। इन तमाम फैमिलीज़ में ऐसी मेरी माएँ बहनें मौजूद हैं जिनके हस्बैंड इन दुनिया से चले गए हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके हस्बैंड डिसेबल हैं, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, जिनका करने वाला कोई नहीं। मुस्तहिक फैमिलीज यानी मुस्तहिक ख़ानदान हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज इनके लिए कपड़ों का इंतज़ाम हुआ है। यूके से मेरी सिस्टर हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपके माल रिस्क में बरकत अता फरमाए। जो मेरी ऐसी नीडी तबके के लिए पुअर फैमिलीज़, मेरी बेवा माओं की हेल्प करती हैं, इनकी मदद करती हैं, अल्लाह पाक इनकी दुआओं के सदके इंशाल्लाह आपके माल रिस्क में इजाफा फरमाएगा। तो नाज़रीन किराम, दिखाने का मकसद सिर्फ यही होता है, जो मेरे बहन भाई डोनेशन करते हैं, डोनेट करते हैं अपनी, तो दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ यही होता है कि आपकी दी हुई डोनेट हम इन लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो ये ऐसे फैमिलीज़ हैं, ऐसे मुस्तहिक नीडी तबके हैं, इनके जो बच्चे हैं करने कोई काम करने के लायक नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी इनके कोई जवान बेटा या इनका कोई सहारा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज इनके लिए कपड़े लेके आया हूँ, यूके से हैं ये कपड़े, मेरी सिस्टर दिए हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो ये तबके नीडी तबके, ये मेरी बेवा माएँ बहनें, आपने इनके लिए सोचा, इनके बच्चों के लिए, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और आपका दिया हुआ हदिया अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, तबीयत ठीक है? तो सिस्टर आपके कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं। आपका हस्बैंड क्या काम करता है? वो फोत हो गया। आपके हस्बैंड की डेथ हो गई। ये जो मेरी सिस्टर बैठी हैं, इनके तीन बच्चे हैं, इनका जो हस्बैंड है इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। तो अब आपके किसके पास रह रही हैं, आपका करने वाला कोई बेटा है जवान? नहीं, कोई नहीं, बच्चे छोटे हैं, मामू के पास बैठे हैं। अच्छा, ये मेरी सिस्टर जो हैं अपने मामू के पास रह रही हैं, वही इनकी किफ़ालत कर रहे हैं। तो छोटे छोटे इनके तीन बच्चे हैं, और जो ये मेरी सिस्टर जी बैठे हैं, इनकी आँखों की बिनाई नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। Thank you.
ओके तबीयत ठीक है जी, कैसी तो यानी ये ऐसे तबके बैठे हैं यहाँ, मेरी बेवा माएँ बैठी हैं और यतीम बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह आप इनमें कपड़े तकसीम करते हैं। मुस्तफा मुस्तफा गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह, गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह, गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह, नबी रोए ज़ारो कतार अल्लाह अल्लाह, नबी रोए ज़ारो कतार अल्लाह अल्लाह, गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा सूदा वो बे करार अल्लाह अल्लाह, हमारा वो बे करार अल्लाह अल्लाह, गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह, यास क्यों हो मैं उनका सनाहा, मुझे यास क्यों हो मैं उनका सनाहा, है उकबा मेरी शानदार अल्लाह अल्लाह, गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा वो मेराज की शब हबीब मुहिब में, वो मेराज की शब हबीब के कौलो करार अल्लाह अल्लाह, गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह। वो जो मेरी सिस्टर हैं, बेवा सिस्टर हैं, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और छोटे छोटे इसके तीन बच्चे हैं, आप इनको सलामत रखे और हमारे उस भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आपके कितने बच्चे हैं? ये बच्चों के लिए और बच्चे किसके साथ हैं? मुस्तफा मुस्तफा गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह, गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह, गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह, नबी रोए ज़ारो कतार। ये मेरी सिस्टर जी हैं, यूके से बिलोंग करती हैं,
आपने उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ करनी है, अल्लाह पाक उसके माल रेस में इजाफा करना है जी। तो इतना दूर बैठे हैं वो लोग, आपके लिए इतना कुछ सोचते हैं, आपके बच्चों के लिए आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो आपने भी उनके लिए दुआ ज़रूर करनी है इंशाल्लाह। तो मैं अपने उन तमाम बहन भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मेरी ऐसी मेरी फैमिली के लिए, ऐसी मेरी बेवा सिस्टर हैं, जो बेवा माएँ हैं उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। तो इंशाल्लाह मेरी अपने तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, ऐसे जो नीडी तबके हैं, ऐसी पुअर फैमिली हैं, ऐसे मेरी जो सिस्टर्स हैं नीडी तबके हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हमारा दिखाने का मकसद सिर्फ यही होता है, आपकी दी हुई डोनेट इन मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाते हैं और इनकी दुआ का हिस्सा बनते हैं। तो आपने दुआ ज़रूर करनी है। ये मेरी सिस्टर हैं यूके से, उन भाई एक ही इल्तिजा मैंने सिस्टर से करनी है, मेरा मकान बिल्कुल गिरने वाला गिरा पड़ा है, जाके बेशक आप देख भी सकते हैं, मुझे ये डर है कि कहीं मेरे बच्चे नीचे ना आ जाए। रोना नहीं है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा आपका मकान का, तो मेरा मकान बन जाए, मेरा नलका नहीं है, मेरी बाथरूम नहीं है, मुझे ये तीन चीज़ें बाजी दिलवा दें, अल्लाह ताला इनको, इनके बच्चों को अल्लाह ताला जिंदगी दे, ठीक है, अल्लाह ताला इनको और भी ज़्यादा दे के ये लोगों के लिए इतना करे, अल्लाह ताला इनके लिए बहुत कुछ करेगा, इतना दिल बड़ा इनका, अल्लाह ताला इनको बहुत कुछ करेगा। ये रही है मेरी अपील है, मेरा बैठने का कमरा नहीं है, मेरे छोटे आप जाके भी देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोलती, आप जाके देख लो। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे डर लगता है मेरा कमरा जो है गिर चुका है, बैर आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, सारा खत्म हो गया, नीचे से दीवारें खत्म हो गई, बच्चा जो है, इसलिए मैं डरती हूँ कि कहीं रात को छत गिरे और सारे हम नीचे ही दब जाए, ये मेरी इल्तिजा बाजी जी जी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए अच्छा वसीला बनाएगा, आपने दुआओं में याद रखना जी जी इंशाल्लाह। तो ये मेरी जो सिस्टर जी हैं ये रोने लग गई हैं कि मेरा बैठने का कमरा नहीं है और मेरे घर में वाटर पंप नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये कह रही हैं मेरी इल्तिजा है, अपील है आप लोगों से, मेरे साथ तआवुन किया जाए, मुझे एक कमरा मिल जाए ताकि मेरे बच्चे एक छत के नीचे महफूज रह सकें। तो आपने दुआ करनी है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए अच्छा वसीला बनाएगा, आप बेशक जाके दिखा सकते हो मेरा कमरा, एक तो झूठ होता है ना, खुद जाके देख सकते हो, सिस्टर को दिखा सकते हो, अगर मेरा झूठ हो बेशक कुछ ना देना मुझे, ठीक है, बेशक जाके देखिए आप, मेरा सामान है, इतना ज्यादा सामान है, वो अंदर ही पड़ा हुआ है, अगर वो गिरेगा मेरा सारा सामान खत्म हो जाएगा। अल्लाह पाक मुझे ये डर है, दूर फरमाए जी, अल्लाह पाक आपकी मुश्किल दूर फरमाए, आपने बाजी से मैं इल्तिजा कर रही हूँ कि बाजी ये मेरा मुश्किल हल करवा दे, अल्लाह आपको इसका बहुत बड़ा मुआवजा दे, आमीन आमीन आमीन। आप परेशान ना हो, तो नाज़रीन इकराम तब तक चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं। नहीं 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 नही